नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज से, कांदरी वार्ड क्रमांक 6 संजीवन नगर। मुझे वहाँ से वहाँ के स्थानीय लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम अपने कांदरी वार्ड क्रमांक 6 जो संजीवन नगर है, उनकी कुछ समस्या है। उन समस्याओं से काफ़ी वर्षों से वहाँ के लोग परेशान हैं और जिन समस्याओं को वो अपने नवीन आवाज़ के इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्या लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और मैं गया वहाँ पे, लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यहाँ बारिश हुई और बारिश तेज होने के कारण वहाँ की जो परिस्थिति थी और लोगों के आसपास जो वहाँ पे जो रोड थे, सड़कें थी, सारी चीज़ जो थी वो काफ़ी दयनीय स्थिति में थी, जिसका जिक्र हमने फेसबुक पे फोटो डाल के किया। रोड बनने को ना कीचड़ स्कूल से बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल में कंधे में ले जाना पड़ता है यहाँ से वहाँ तक। आप लोगों ने ग्राम पंचायत को या फिर आपने मेंबर को सब दिया? सब है ना हमारे पास, वो रिसीप्ट काटी कॉपी। तो फिर क्या बोले उन्होंने? सैंक्शन हो गया, सैंक्शन हो गया 5 साल से, तो वैसे बोल ही रहे, मगर क्या होगा उनके दिल में क्या है, तो वो रोड नहीं बन रहा है 5 साल से। बहुत टाइम लगेगा बोल रहे, मैं कही थी अगले महीने। कौन बोले? बबलू भाई रहे सचिव बोले, उसको अभी मेंबर भी बोल रहे थे ना कि हम बना के देंगे, तो कब बना के देंगे? दिवाली के बाद बना के देंगे बोल रहे थे। जब हम मर जाएंगे तब चिकन में जाएंगे, तब मर जाएंगे तब बना के देंगे। बच्चे लोग कैसे जाएंगे स्कूल से? जब बार में भी आया था ऊपर में भी बोल रहा था हम बना के देंगे, मेंबर भी आया था वो भी बोलते कि बना के देंगे, कब बना के देंगे? कितने साल से बोल रहे? अभी 5 साल हुए, 5 साल इधर यहाँ पे रहने के लिए आए, तो क्या क्या रोड नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे? बच्चे लोग फंसेंगे क्या, मरेंगे क्या यहाँ? और कचरे वगैरह की गाड़ी आती है आप लोगों? नहीं, कचरा किचरा कुछ नहीं, कचरे की गाड़ी नहीं आएंगी। और क्या बोलते हैं वो गाड़ आते हैं सिटी वाले, वो भी नहीं आते। बोलते कि हाँ तुम्हारे इधर क्या होट आते क्या? क्या बोलते? लाइट भी नहीं जलती हमारे इधर। क्या बोलते वोट आते क्या मतलब? हाँ, यानी मतदान आता क्या आपका? मेरा मकान जब बना 12 साल हो गए, 13 साल चालू है। अभी ये 2-3 साल से इतना टैक्स भेज रहे और बोलते झाड़ू पट्टी, पानी पट्टी। हमारे खुद की बोरिंग है, हमारे ऊपर पानी पट्टी क्यों लगाना चाहिए? नल दिए क्या? नाली बनाए? अच्छा, आपके यहाँ नल नहीं है? बोरिंग है हमारी, घर बनाए जब से हमारे यहाँ पानी भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं पैदल गया, आप देख रहे हैं कि पैदल जाने के लिए भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो काफ़ी एक्चुअली वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब ये समस्या उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं लगेगी जिनके घर तक सड़कें हैं, जिनके घर तक पानी आती है, जिनके घर के आसपास नाली हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे मैं आप जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि काफ़ी समस्याओं के साथ यहाँ पे लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपको बता दूँ कि वहाँ पे पिछले 10 साल से कुछ लोग मेंबर हैं, कुछ ऐसे हैं जो 15 वर्षों से मेंबर हैं और कुछ नए भी हैं। लोगों के मन में मेंटेलिटी ऐसी भी है कि यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, या फिर उनके समाज के लोगों के लिए काम हो रहा है, बाकी लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, या फिर काम शायद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ लोगों की वोटिंग्स कम है और वोट बैंक वहाँ नहीं होने के कारण शायद लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो कई तमाम समस्याएं हैं और जिनके सवाल लोगों के मन में वहाँ पे दिखाई दिया हमें। उनका एक कहना है कि आप लोगों का वोट नहीं है इसलिए रोड नहीं बनेगा, सीधी बातें है। मेंबर साला झांकने तक नहीं आता, 5 साल हो गया। देखिए अभी आप आगे चलेंगे, देखिए वो 4-5 खंभा गड़ा है जिसमें 4 खंभे में तार लगा, 5वां खंभा को छूटा है, 1.5 साल हो गया चिल्ला चिल्ला के, 5वें खंभे में तार नहीं लग रहा है। आप अपने मेंबर को या फिर उप सरपंच आपके ही वार्ड से हैं तो उनको सबको बताया आपने? सबको बताए और हर महीने एप्लीकेशन देख करके सबकी साइन लेके दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अरे सब दिया है एप्लीकेशन, सब सैंक्शन भी हो गया, रोड पूरा सैंक्शन है। अरे हर साल सैंक्शन होता है, दिवाली बाद बनेगा, लेकिन 5 साल से यही सुनते आ रहे हैं। वो सब चूतिया बना दिया, सैंक्शन अभी इस साल हुआ है, मेंबर एकदम ढीले, एकदम सरपंच का घर रहेगा वहाँ तक रोड बन। आप शंकर नगर में देखिए जाके, एक घर है सीमेंट रोड बन गया है। मैं बबलू बर्वे को 50 बार ये बात बोला हूँ कि तुम्हारे जात वाला है तो एक रोड, एक तुम्हारे जात वाला तो उसके लिए सीमेंट रोड बन गई शंकर नगर में। आप जाकर के देखिए वहाँ एक एक घर के लिए सीमेंट रोड, फिर ये कोई बात हो गई ना।
तो लोगों का ये मानना था, लोगों का ये कहना था कि आप पक्की सड़कें मत बनाओ, लेकिन कम से कम उसे हमें घर तक जा सके, हम पैदल तो भी अपने घर तक जा सके, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा सके, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो भी ग्राम पंचायत हमें करके दे दे। यहाँ पे नाली नहीं है, कचरे की गाड़ी नहीं आती है, लेकिन कई समस्या जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पाइपलाइन नहीं है। सभी लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, 80% लोगों ने हमने देखा कि सबने अपना बोरवेल करके रखा है, वहाँ पे पीने की पानी ग्राम पंचायत प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, कांदरी ग्राम पंचायत। तो कई समस्याओं से लोग वहाँ जूझते हुए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।